नमस्कार। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बताया था, यानी चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण के बारे में बताया था। इस व्याख्यान में मैं आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बताऊंगा, अर्थात इस चक्र में जो P680 अणु है उससे जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स है वो पुनः उस पर नहीं आते, एक रेखीय पथ के द्वारा वो एडीपी और एनएडीएस2 का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं इसको समझते हैं एक चित्र के माध्यम से। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में दोनों प्रकाश तंत्र यानी फोटोसिस्टम फर्स्ट एवं फोटोसिस्टम सेकंड का उपयोग होता है। इस प्रक्रिया में जो 600 P680 है, जो रिएक्शन सेंटर है P680, यहां से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो P680 में पुनः नहीं आते, जैसे चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में P700 से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पुनः P700 में आते थे, यहां ये P680 में पुनः नहीं आते। और एक रेखीय पथ के द्वारा ये फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनियन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन से होते हुए फोटोसिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर यानी P700 तक पहुंचते हैं, और यहां से ये FES एक कंपाउंड है जिसे कंपाउंड A कहते हैं, उससे ये फेरिडॉक्सिन तक, और वहां एनएडीपी का अपचयन एनएडीपी H2 में करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एडीपी भी बनाते हैं एडीपी से, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का निर्माण करते हैं, और जो जल के हाइड्रोलिसिस के द्वारा और फोटोलाइसिस के द्वारा, हाइड्रोलिसिस नहीं फोटोलाइसिस के द्वारा, जो दो हाइड्रोजन परमाणु निकलते हैं वो एनएडीपी का अपचयन एनएडीपी H2 में करते हैं। तो अपन समझ सकते हैं कि चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में P700 से जो रिएक्शन का या अभिक्रिया का केंद्र होता है से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कंपाउंड ए से होते हुए फेरिडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन से पुनः P700 में आते थे, और वहां पे केवल एक ही प्रकाश तंत्र फोटोसिस्टम फर्स्ट का उपयोग करते थे, लेकिन एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के द्वारा एटीपी का भी निर्माण होता था। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी का भी निर्माण होता है और एनएडीपी H2 का भी निर्माण होता है, और इसमें फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट दोनों का उपयोग होता है। फोटोसिस्टम सेकंड का जो रिएक्शन सेंटर है वो P680 अणु है, और P680 अणु से जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे पहले फियोफाइटिन ग्रहण करता है। फियोफाइटिन से ये प्लास्टोक्विनोन तक पहुंचते हैं, और प्लास्टोक्विनोन से ये साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F तक पहुंचते हैं, लेकिन प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 तक ये इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, इनके मध्य एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है, और ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के द्वारा फोटोसिस्टम फर्स्ट में पहुंचते हैं, जिसका रिएक्शन सेंटर P700 होता है। यहां से कंपाउंड ए तक पहुंचते हैं, और ए से ये फेरिडॉक्सिन तक पहुंचते हैं, वहां जो जल के फोटोलाइसिस के द्वारा एच परमाणु है वो एनएडीपी से मिलकर एनएडीपी H2 का निर्माण करते हैं, क्योंकि
इस प्रकार के प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में इलेक्ट्रॉन पुनः उसी रिएक्शन सेंटर पर नहीं आते जहां से वो उत्सर्जित होते हैं और एक रेखीय मार्ग के द्वारा फोटोसिस्टम फर्स्ट से होते हुए ये NADPH2 का निर्माण करते हैं। इस कारण इस तरह के प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण को अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहा जाता है। तो मैंने आपको अपने दो व्याख्यानों के माध्यम से साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में बताया, आपके लिए ये उपयोगी होंगे। आप पुस्तक के माध्यम से भी और जानकारी प्राप्त करेंगे और जो समझ में नहीं आता है वो प्रश्न हमसे पूछेंगे, नहीं तो मैं भी प्रश्नोत्तर का एक कार्यक्रम रखूंगा व्याख्यान के माध्यम से, आपको प्रश्न पूछूंगा। तब तक के लिए घर में रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।